हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। यार आज ना मजाक हो गया मेरे साथ। दो वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए थे, एक न्यूमेरिकल्स पे और एक इनर्शिया को लेके, जो अभी टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। और समहाउ आई डोंट नो, ये जो माइक है ये प्रॉपरली डिवाइस में प्लग इन नहीं हुआ था और वीडियो में ऑडियो ही नहीं आया। तो दोनों वीडियोस बैक टू बैक रिकॉर्ड कर लिए और उसके बाद देखा तो वीडियो तो है, ऑडियो ही नहीं है। हार्ड लक। बट एनीवेज, मैंने बोर्ड पे जो था वो रब नहीं किया। और आइए इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं, पहले उस लेक्चर को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आज हमारा टॉपिक है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हम इनर्शिया को समझते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बाइसाइकिल है, राइट? बाइसाइकिल पंचर हो गया, आपको उसको लेके जाना है कहीं पे, तो आप उसको ईजिली रेड़ के लेके जा सकते हो। कई बार तो हम बाइसाइकिल को उठा के भी लेके जा सकते हैं, हल्की होती है। तो मैं कहूँगा कि उसकी जो स्टेट है रेस्ट की, उसको ब्रेक करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है, तो उसका इनर्शिया कम है। ध्यान देना, लाइट वेट है मतलब मास कम है तो इनर्शिया कम है। अच्छा, अब मेरे पास एक एक्टिवा है मान लीजिए, और वो पंचर हो जाती है, उसको मेरे को मूव कराना है, तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब उसकी जो स्टेट है रेस्ट की, उसको चेंज करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तभी उसको ज़्यादा एफर्ट चाहिए। अच्छा, अब एक गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी पंचर हो गई, मुँह हिल ही नहीं रही बिल्कुल। अब आपने उसको कहीं धक्का लगा के लेके जाना, तो आपको धक्का लगाना कितना मुश्किल है, उसको मूव कराना कितना मुश्किल है, आपको कितना एफर्ट चाहिए। तो उस वजह से हम कहेंगे उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा तीनों में से। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसका मास सबसे ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक अंदरूनी इनबिल्ट करेक्टरिस्टिक होता है, जिसको मैं कहता हूँ इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को बनाए रखता है। वो स्टेट चाहे रेस्ट की हो, मोशन की हो, या किसी डायरेक्शन में मूवमेंट की हो। इसी से हमें समझ आता है कि इनर्शिया जो है वो हर बॉडी के पास होता है, और वो बेसिकली उसके मास की वजह से होता है। उसके बारे में बात करूँगा। तो इनर्शिया कितनी तरह का हो सकता है? आंसर है, इनर्शिया टोटल तीन तरह का हो सकता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप एक सीट पर बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई है। अभी बस एकदम से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है, ध्यान देना एक्सेलरेट होती है, और आपके जो पैर थे, जो आपका लोअर बॉडी था, वो बस के पैर जो हैं वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, लोअर बॉडी जो है वो बस की सीट के टच में है, बट आपकी अपर बॉडी बस को टच नहीं कर रही, बस के किसी पार्ट से टच नहीं हो रही। तो क्या होगा कि जैसे ही एक्सेलरेशन होगी, आपकी लोअर बॉडी फ्लोर के साथ आगे मूव कर जाएगी, पैर आगे को चले जाएंगे, बट आपकी अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, और उस पर कोई फोर्स नहीं लगी, तो वो मोशन में नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे को गिर गए हो, यू लीन बैकवर्ड्स। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, एक सेम एग्जांपल। अब की बार आप बस में बैठे हो, पर बस चल रही है काफ़ी स्पीड से, अचानक से बस ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ जाती है। वैसे इंडिया में बस ड्राइवर्स ब्रेक्स लगाते ऐसे ही हैं कि हर बार अचानक से लगती है ब्रेक्स उनकी, तो डी एक्सेलरेशन हो रही है। कहने का मतलब, फिर से एक्सेलरेशन अकाउंट में आ रही है। तो क्या होगा? लोअर बॉडी फ्लोर के साथ टच में थी, पैर टच में थे फ्लोर के, फ्लोर रुक गया, बस का फ्लोर है ना, बस के साथ रुक गया, तो आपके पैर भी रुक गए, पर आपकी अपर बॉडी पहले मोशन में थी, अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है, उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब वो बॉडी जो है आगे को गिरने की कोशिश करेगी, तो आपको झटका लगेगा आगे को। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? मान लीजिए आप एक गाड़ी में जा रहे हैं या बस में ही जा रहे हैं, और बस ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है, एकदम से टर्न आता है और बड़ी स्पीड से टर्न लिया जाता है, तो हो क्या रहा है? बस तो टर्न कर गई एक तरफ, लेट्स से राइट टर्न हो गया, बट आपकी बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने की आदी हो चुकी थी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपके पास लेट्स से आप बैठे हुए थे, तो आपकी ये वाला हिस्सा बस के या गाड़ी के किसी पार्ट से टच नहीं कर रहा, तो जैसे ही गाड़ी ने या बस ने टर्न लिया, आपका ये हिस्सा जो है सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू रोड सीधा जा रहे थे, बट अब विद रिस्पेक्ट टू कार या बस, आप उसके लेफ्ट में जा रहे हो, जिधर को टर्न हुआ है आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपको लगेगा फोर्स लग रहा है, तो यू विल बी थ्रोन आउट
मतलब आपको ऐसा फील होगा मेरे को बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है. सो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इसके अलावा इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स और बनते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कारपेट को बीट करते हो तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब हमने कारपेट को बीट किया तो कारपेट के पार्टिकल्स मोशन में आ गए, पर डस्ट अभी भी रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो उससे डिटैच हो जाते हैं. या फिर ऐसे जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो ब्रांचेज होती हैं पेड़ की, उनके साथ जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स पक चुके होते हैं, वो बिल्कुल ब्रांच ऐसे हिल रही है तो वो जो फ्रूट है वो रेस्ट पे है, तो वो डिटैच हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इनर्शिया की, राइट? सो ये तो होगी इनर्शिया की बात. नाउ व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया? द लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है एन ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट, इन मोशन और मूविंग इन अ डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. मतलब दुनिया का, यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मूव करता रहेगा, और अगर वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तब तक जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती. तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इनर्शिया के बारे में? नहीं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट देता है फोर्स का. क्या होता है फोर्स? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को बदल सकता है. अगर फोर्स नहीं होगा, इनर्शिया भी नहीं बदलेगा. सो व्हाट इज फोर्स? इट इज़ द एजेंट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर फोर्स नहीं होगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया का स्टेट है वो कभी नहीं बदलेगा. रिमेंबर दैट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू टेक द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. तो जो मैंने एग्जांपल बताई थी अभी, बाइसिकल, एक्टिवा और गाड़ी वाली, उसी से आप ध्यान रखिए. दो तरीके से इनर्शिया मेजर होता है. पहला तरीका, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसका इनर्शिया उसके मास से बताया जा सकता है. देखिए, इनर्शिया के कोई यूनिट्स नहीं होते, पर जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं. तो मैं कहूँगा कि वो गाड़ी, क्योंकि उसका मास तीनों में सबसे ज़्यादा था, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ फॉर दी ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट और मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. बट जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहे हैं या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उनके लिए हम मास की बात नहीं कर सकते. उनके लिए एक और क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट फॉर्म में MOI, और इसका फॉर्मूला होता है MR2. यहाँ पे M होता है उस ऑब्जेक्ट का टोटल मास, एंड R होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो हम आगे रोटेशनल मोशन चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. पर मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ है तो उसको, अगर वो रोटेट कर रहा है, उसको रोकने में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और उसको स्टार्ट करने में भी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में है या रेस्ट में है, उसका मास देखो तो इनर्शिया का अंदाज़ा लग जाएगा. बट अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसका मास मत देखो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, तो आपको उसके इनर्शिया का अंदाज़ा लग जाएगा. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इतना है, एन ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट और इन मोशन और कीप मूविंग इन अ डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती. आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.